असलकम वरम्ला वबरकू कैसे हैं दोस्तों सब लोग दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कोवैत से अब दोस्तों वया होकर भी कोई कोवैत नहीं आ सकता क्योंकि दोस्तों संकुक्त तो अरब अमीरात की एयरलाइन ने कोवैत यात्रा पर पाबंदी लगा दी है दो हफ्ते तक कोई कोवैत नहीं जा सकेगा बता दें कि दोस्तों दुबई एमिरेट्स ने कहा है कि दुबई से कोवैत के लिए किसी नॉन सिटीजेंस को नहीं ले जाया जाएगा और दोस्तों इसमें हम क्वारंटाइन के लिए भी बात करने वाले हैं दोस्तों इक्कीस फरवरी से जो कोवैत में यात्री एंट्री करने वाले हैं उन्हें सात दिन क्वारंटाइन किया जाएगा और वो भी थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार होटल में तो चलिए दोस्तों आज हम इसी पर बात करते हैं पढ़ते हैं खबर की तरफ खबर क्या है दोस्तों यूएई की एयरलाइन ने लगाई कोत यात्रा पर पाबंदी दो सप्ताह तक कोई नहीं जा सकेगा कोवैत दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन ने कोवैत की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है जो भी व्यक्ति यूएई से कोत जाने वाले थे जो नॉन सिटीजेंस हैं वो अब कोवैत नहीं जा सकेंगे यूएई से दोस्तों संक्युक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस एमिरेट एयरलाइन एतिहाद एयरवेज और फ़्लाई दुबई ने भी अपना बयान सामने रखा है दोस्तों दुबई एमीरेट्स ने कहा कि दुबई से कोवैत के लिए नॉन कोवैती पैसेंजर को नहीं ले जाया जाएगा यानी कि दोस्तों जो दुबई से विया होकर कोवैत जा रहे थे अब उन्हें दुबई से कोवैत नहीं ले जाया जाएगा इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है ये नियम सात फरवरी से बीस फरवरी तक लागू रहेगा दोस्तों ये नियम कल से शुरू होने वाला है और ये बीस फरवरी तक लागू रहेगा और बता दें कि दोस्तों फ़िलाई दुबई ने भी कहा कि हम भी नॉन कोैती पैसेंजर को यात्रा की अनुमति नहीं देंगे तो दोस्तों डायरेक्ट फ़्लाइट तो वैसे भी बंद थी लेकिन अब भिया दुबई होकर भी नहीं जा सकते और दोस्तों कोवैत के डी ने एक बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा कि तीन स्टार स्टार और पाँच स्टार होटलों में यात्रियों के क्वारंटाइन होंगे आपको बता दें कि दोस्तों कोवैत के डी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश में 21 फरवरी से आने वाले यात्रियों को सात दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है जिसके चलते आगमन करने वाले यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है दोस्तों कोवैत के डीजीसीए ने किसी अपार्टमेंट को नहीं बल्कि तीन स्टार स्टार और फाइव स्टार होटलों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बनाने का फैसला किया है डीजीसीए ने होटल एसोसिएशन से ये अनुरोध किया है कि वे अपने होटल के चार्ज को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं क्योंकि इससे ठहरने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है तो दोस्तों ये थी कोत से आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप तक शेयर करी दोस्तों कोत की ऐसी ही पल पल की खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें गल्फ इनफोटी टीवी न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़